असम को आज हम देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो के अंदर हमने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है और इनपुट आउटपुट कैसे लेनी है। उसके अंदर हमने सी शार्प की लैंग्वेज को यूज़ करते हुए और नल के ऑपरेटर, नल का क्या कॉन्सेप्ट है सी शार्प के अंदर, और कुछ डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए हमें कुछ इश्यूज आते हैं सी शार्प के अंदर, हमने उसको कैसे रिजॉल्व करना है, और कॉन्स्टेंट के डेटा टाइप हमें क्यों डिक्लेयर करनी पड़ती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि विजुअल स्टूडियो के अंदर हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है। आपने इंस्टॉल किया होगा यकीनन, इंस्टॉलेशन की मैं वीडियो नहीं बना सकती, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं आपको, वो आप देख लेना कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, देन यहाँ से आप लैंग्वेज चूज करेंगे सी शार्प, और यहाँ से आप चूज़ करेंगे कि आपने कौन सी एप्लीकेशन बनानी है। हमने फ़िलहाल कंसोल पे काम करना है तो हम कंसोल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट को नेम दोगे, यहाँ से आप लोकेशन सेट करते हो कि आपने कौन सी लोकेशन जो है वो चूज़ करनी होती है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट स्टोर हो, देन आप कर दो क्रिएट। ये हमारा बेसिक प्रोग्राम हमारा क्रिएट हो गया है, जो कि बेसिक उसकी बॉडी बनी हुई हमें बिल्ट इन मिल जाती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट आउटपुट का कैसे क्या सीन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कोड लिखा हुआ है इसमें ये सब है क्या। तो ये नेम स्पेस होता है, नेम स्पेस आपका ऐसे ही है जैसे आप एक फोल्डर क्रिएट करते हो, तो वो फोल्डर जो होगा वो आपका नेम स्पेस होता है। देन उसके अंदर आप फाइल्स क्रिएट करते हो, तो जो कोड के थ्रू हम देखेंगे वो कोड के अंदर हमारी ये एज अ फाइल काम करेगी, मतलब ये हमारा फोल्डर है, उसके अंदर फर्दर हमारी फाइल्स काफ़ी सारी हो सकती हैं, ठीक है। और ये हमारा जनरल सी शार्प के लिए यूज़ करने के लिए हमारी सिस्टम की लाइब्रेरी हमें यूज़ करनी होती है, और ये हमारा मेन फंक्शन क्रिएट करने के लिए उसका फंक्शन है। मेन बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे कोड लिखना है। अच्छा, तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनपुट आउटपुट कैसे करवानी है। इनपुट शो करने के लिए हमारे पास सामने जो लाइन लिखी हुई है यही होती है, ये यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, ये होता है आउटपुट के लिए हमारा कोड होता है। राइट लाइन के ब्रैकेट्स के अंदर आप डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो आपका आउटपुट शो होगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं, कंसोल पे आपका आउटपुट शो हो गया हेलो वर्ल्ड। अब आप चाहते हो कि आप कोई इंटीजर डिक्लेयर करो या कोई भी डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, आप उसके अंदर कोई डेटा इनपुट लो और फिर वो शो करो, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर इशू ये आता है, सबसे पहले हम कहते हैं इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर ए, ठीक है। इसके अंदर तो कोई इशू नहीं आया है, बट फ्लोट का आप डेटा टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसमें एक इशू आता है, मैं वो आपको बाद में बताती हूँ क्या इशू आता है। सबसे पहले मिलेंगे इसके अंदर इनपुट कैसे लेना है। तो ए इक्वल टू, जो इनपुट लेने के लिए लाइन होती है वो आपकी होती है कंसोल डॉट रीड लाइन, ये फंक्शन जो होता है ये आपका होता है इनपुट लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये जो फंक्शन होता है ये इनपुट लेता है आपका स्ट्रिंग इनपुट लेता है। स्ट्रिंग इनपुट जो है वो आप इंटीजर डेटा टाइप के अंदर के वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते, तो इसलिए आपको यहाँ पर एक्सप्लिसिट कास्टिंग करनी होती है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग ये होता है कि आप डेटा टाइप खुद से एक्सप्लिसिटली चेंज करो, इनपुट की, आउटपुट की, या किसी वेरिएबल की भी आप एक्सप्लिसिटली चेंज करते हो। एक होता है इम्प्लिसिट कास्टिंग, वो हमारा कंप्यूटर खुद ब खुद करता है, जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होती वो कंप्यूटर खुद ब खुद कर देता है, एक उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग, डेटा टाइप चेंज कर देता है, वो पॉइंटर्स के अंदर होता है यूजली। खैर, इसको इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें करनी है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, तो उसके दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले हम करेंगे कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 या 64, जो भी आप करना चाहो, और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आप ये वाला फंक्शन लिखोगे। अब आप अगर इनपुट लोगे तो वो आपका इनपुट दे देगा। हम अब शो करते हैं इस ए के वेरिएबल के अंदर जो भी इनपुट आएगा हम उसको सी आउट करवाएंगे, मतलब कि कंसोल पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं ए
अगर आपने किसी इस तरह से खुद से स्ट्रिंग लिखी हुई के साथ आपने वेरिएबल का आउटपुट शो करना होता है तो आप प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हो, फिर आप उस वेरिएबल का नेम लिखोगे। अब हम इसको रन करते हैं, वो आप कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इट मीन्स कि वो हमसे इनपुट मांग रहा है, तो हमने इनपुट किया तो उसके बाद हमें आउटपुट शो हो गया जो हमने शो करवाया था। तो ये तरीका है हमारा इनपुट करने का, आउटपुट करने का। अब है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ हमारा एक इशू आता है सी शार्प के लैंग्वेज के अंदर। अगर आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने अब ये डिक्लेयर किया है, ये तो डिक्लेयर हो गया। अब मैं यहाँ पर डिक्लेयर करवाते हुए इसके साथ वैल्यू भी इसको दे रही हूँ। अब ये क्यों एरर दे रहा है? अब ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि सी शार्प के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि आपको जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आप सिर्फ वेरिएबल की साइड पे डेटा टाइप नहीं उसको अलॉट करते, आप कांस्टेंट की साइड पे भी डेटा टाइप उसको देनी पड़ती है आपको। इसके अंदर एरर इसलिए नहीं आया था, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली भी दो तो ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सी शार्प के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट साइड पे आपका अगर आप कोई डेटा टाइप नहीं असाइन करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट डबल की डेटा टाइप उसको असाइन कर देता है। तो यहाँ पर आप अगर देखो तो दोनों इंटीजर और डबल की जो मेमोरी है वो इक्वल है, इक्वल मेमोरी लेते हैं दोनों। तो इट मीन्स कि हम इक्वल मेमोरी के वेरिएबल के अंदर इक्वल मेमोरी का कांस्टेंट स्टोर करवा रहे हैं, इसलिए कोई इशू नहीं आया। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो फ्लोट जो है वो डबल से छोटा होता है, छोटी मेमोरी कम मेमोरी लेता है, तो इट मीन्स कि हमारा एरर आ रहा है, हम छोटी मेमोरी के अंदर बड़ी वैल्यू बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए वो एरर दे रहा है कि आप वहाँ पर नहीं स्टोर कर सकते हो। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये होता है सी शार्प के अंदर कि आप कांस्टेंट के साथ उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करते हो। वो डिक्लेयर करने का तरीका होता है, हर डेटा टाइप का अपना एक कॉन्स्टेंट एक लेटर है जो कि आप यहाँ पर लिखते हो। अगर आप डबल कर रहे हो तो यहाँ पर डी लिखोगे, इंटीजर करोगे आई लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे, और फ्लोट करना है तो कैपिटल एफ करना होता है। एक ये इशू था, ये मैंने आपको बता दिया है। डेटा टाइप्स का हमने डिक्लेयर करना देख लिया कैसे करना है, और इनपुट आउटपुट देख लिया। अब हम देखते हैं नल का एक कॉन्सेप्ट है कि नल और ज़ीरो में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, नल जो होता है ना उसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, और अगर आप ज़ीरो को देखो तो ज़ीरो एक खुद एक इंटीजर वैल्यू है। तो अगर आप देखो कि फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स इक्वल टू, उसमें हमने कहा नल, वो नल है, ठीक है। इसमें हमने करवाया स्टोर नल। अब हम कहते हैं कि हमने अब ये नल का कॉन्सेप्ट क्या है, नल खुद मतलब ये कह रहा है कि उसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, बिल्कुल नल है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पे कर देते ज़ीरो तो फिर इसके अंदर एक्स के अंदर एक वैल्यू स्टोर होती जो कि ज़ीरो है, ज़ीरो खुद एक इंटीजर है। तो ये डिफरेंस है नल और ज़ीरो के अंदर, ये भी एक कॉन्सेप्ट दिया था सर ने। ये यूजली यूज़ होता है हमारा हार्डवेयर का, जब हम देख रहे होते हैं हार्डवेयर हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है कंप्यूटर की, तो उसके अंदर हमें देखते हैं कि हमें पता कैसे, वहाँ तो कुछ नहीं लिखा होता कि बाइनरी में ज़ीरो है या वन है, हार्डवेयर के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि यहाँ पर कोई डेटा स्टोर है नहीं है, उसका तरीका ये होता है कि आप पल्सेस को देखते। तो अगर आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है, इट मींस कि वहाँ पे वन है, वन मींस वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू है। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं है, इट मींस कि वो नल है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम ज़ीरो कहते हैं, ज़ीरो बाइनरी की लैंग्वेज में हम नल को बोल रहे होते हैं, ठीक है, इट मीन्स वहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हम नल के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने इसको देखना है तो आप एक फंक्शन के थ्रू इसको चेक कर लो, एक्स डॉट हैज़ वैल्यू का एक फंक्शन होता है जो कि ये चेक करता है कि क्या आपके वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है, इक्वल इक्वल टू ट्रू। अगर तो ट्रू हुआ तो आप जो भी बोलोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं है तो एज पे आप कुछ भी रख दो। तो ये तरीका होता है चेक करने का कि अब आप को नहीं पता है कि एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू है कि नहीं है, तो आप अगर उसको चेक करना चाहते हो तो आप उसके लिए हैज़ वैल्यू का फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये एक ये था नल का कॉन्सेप्ट। तो अभी हमने तीन चार चीज़ें डिस्कस की हैं कि प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है विजुअल स्टूडियो के अंदर, बेसिक उसके अंदर इनपुट
हमने जस्ट सारा उसका देखा है बेसिक के, हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया है, उसके बाद हमने देखा है कि इसके अंदर हमने जो हमारे पास कोड बना बनाया होता है वो उसको हमने देखा है थोड़ा सा वो होता क्या है। देन हमने देखा है कि इनपुट आउटपुट कैसे करवानी है, उसके क्या तरीके हैं, अगर हमारा हम इनपुट ले रहे हैं इंटीजर वेरिएबल का तो उसके अंदर क्यों एरर आता है, उसको एक्सप्लिसिटली कास्ट कैसे करना है हमने। फिर हमने ये देखा कि हमने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करवाना है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज़ करके, हमने हमारा जो कॉन्सेप्ट की साइड पर डेटा टाइप डिक्लेयर करवानी पड़ती है वो क्यों करवानी पड़ती है हमने ये भी देखा है। देन हमने नल का कॉन्सेप्ट देखा है, नल और जीरो के अंदर क्या डिफरेंस है हमने वो भी देख लिया है। तो बाकी सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।